ये अखरोट इसको हम तोड़ सकते हैं जी। टोकन अदा किया नहीं कितने कोठो करा सारे मजदूरी मजदूर है इस नाल आठ मजदूर होने उनदा चूल्हा जलता है। दियार बोलते हैं दियार हमारी जुबान में ठीक है और देवदार उर्दू में जहाँ पे परिजात की शूटिंग हुई थी। इसको कहते हैं पहाड़ों की शहजादी है ये। हमारी जबान में इसका नाम है गटुआ। इसको गटुआ बोलते हैं। गटुआ बोलते हैं हाँ जी हाँ। टूरिस्ट आते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर एंटरटेन होते हैं। ये दुकान लेंगे क्या है? दुकान वगैरह सही हो गई। हमारे अकब में कुछ नजर आ रहा है वो बच्चे कुछ वो लाल ट्राउज़र के साथ जो है वो खेलते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको ठीक है। और बिल्कुल इसका जो है वो आप कह सकते हैं कि ये मकबूज़ा कश्मीर है और मकबूज़ा कश्मीर के बच्चे हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल साथ लग रहा है। और इस वक्त कोई फ़र्क नहीं है इनके दरमियान सिवाय एक पानी के छोटा सा एक बहाव है जो इसको तफरीक कर रहा है, वरना ना उनके रहने सहने में कोई फ़र्क हमें नज़र आ रहा है ना हमारे रहने सहने। इसी तरह की वो भी लिबास पहनते हैं हम भी इसी तरह का लिबास पहनते हैं। मस्जिद नीलम का मकाम है यहाँ से हम क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर एंटरटेन होते हैं। आगे चलते हैं आगे आपको ले चलते हैं और खूबसूरत हसीन वादी हैं वो आप लोगों को उनकी सैर करवाते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। आइए हमारे साथ हम आपको साथ ले चलते हैं। मिनरल वाटर हकीकत में ये मिनरल वाटर यहाँ से भर रहे थे। वाह ये नहायत इस वक्त खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है वादी कश्मीर। बारिश हो रही है और पहले भी यहाँ सब्ज़ा जो है वो बहुत निखरा हुआ और साफ़ सुथरा था लेकिन बारिश ने और उसको धोकर जो है वो नया और ताज़ा बना। सुभान अल्लाह की जितनी हमदोसना पेश की जाए वो कम। माशाल्लाह इस वक्त हमारे जो साथी हैं उमर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान हैं और प्यारे भाई भी हैं और बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं। और ये रिक्शा भी देखें आपको नाज़रीन नज़र आया होगा और आप हैरान हो रहे होंगे कि ये रिक्शा और कहाँ ये रिक्शा और कहाँ वादी कश्मीर और कहाँ ये इम्तिजाज हो रहा है। वाह बारिश से मुतासर इलाका था ये जी जी तो इस तरह का नेटवर्क भी अभी सिर्फ वेस्ट काम ही चलता है। अच्छा। इस तरह की सर्विस भी नहीं है मामलात हैं उस वजह से परेशानी है ना। अच्छा एस काम जो है ये मिलिट्री ऑपरेटर मिलिट्री ऑपरेटर इसका जितना रेवेन्यू बनता है गुजा कश्मीर से शुरू होता है आज़ाद कश्मीर से फिर पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान वाले जो है ना हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे बता रहे थे ना पैर साहब कि लोग कहते हैं पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की शरग है। शरग नहीं है कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की खुराक वाली नाली है। इसके जरिए से पूरे पाकिस्तान को खुराक मिलती है। पूरा पाकिस्तान खाता है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं खाता जो इंडिया है वो भी कश्मीर का खाता है। ये हम ज़िला नीलम के खूबसूरत तरीन गाँव सालखला में सालखला कुंडल शाही और डिस्ट्रिक्ट आठ मकाम के दरमियान में वाक़ एक खूबसूरत गाँव और प्लेन है बिल्कुल दरिया के बिल्कुल करीब है। यहाँ पीछे जो है ना सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ है और सालखला में जो है ना जंगलात सबसे ज़्यादा वसी पूरे नीलम वैली में जंगलात के अतबार से बड़ा गाँव है। अलावा यहाँ पर तारीखी जो है जामा मस्जिद जिन्नात वाली मशहूर है वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर हाँ जहाँ जिसको जिन्नात ने तामीर की है उसके बारे में ये मशहूर है कि कोई भी बंदा झूठ बोल रहा हो ना झूठ बोल रहा हो उसको यहाँ लाए मस्जिद में पहले पूरे इलाके से उसको लेके आते थे कसम दिलाने के लिए यहाँ मस्जिद में कसम दो अगर वो झूठी कसम उठाता था तो बच के नहीं जा सकता। तो कहते हैं पहाड़ों की शहजादी है ये। हमारी जबान में इसका नाम है गटुआ। इसको गटुआ बोलते हैं हाँ जी हाँ ठीक है। और वैसे तो वैसे इस पे कितना वजन लाद सकते हैं? इस पर जो है ना देवदार की जो लकड़ है तकरीबन 350 फुट लकड़ जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। मन के हिसाब से किया जाए तो कितना टन वजन उठाती है जी? 200 मन वजन उठाती है। ये पेट्रोल है या डीजल है? ये डीजल पर चलती है हाँ और डीजल भी दबा के खाती है।
फिलहाल गवर्नमेंट ने डीजल बहुत महंगा कर दिया है, तो इस एतबार से ये एक फेरे में जो है ना 2,000-3,000 का डीजल खाती है एक किलोमीटर। क्या पैगाम देना चाहते हैं भाई? यही कहते हैं कि भाई ये मोहतरम जो हमारे बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, पुराने वक्त की इनके पास गाड़ी है और यही इनकी गुर्बत की दलील है कि ये कोई नई गाड़ी भी नहीं ले सके तो इनके टोकन माफ किए जाएं। ये गाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? ये सिर्फ कश्मीर के पहाड़ों पर देखने को मिलेगी, ये जंगल में चलती है। नीलम में 5-6 गाड़ियां हैं, टोटल 5-6 गाड़ियां रह गई। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। सारे असी गवर्नमेंट को यह पैगाम देना चाहते हैं कि यह पुराना मॉडल गाड़ी है जी पाकिस्तान बनने को पहली, इसका टोकन टैक्स माफ किया जाए। तो इस पर उतनी मजदूरी भी नहीं है, आशा चलती है, कासा खाती है। जी हाँ, पुराने जमाने का कहावत है ना, आशा एक आशा सोटी एक जलती है और कासा खाती है, 8 किलो खाती है। यानी ये समझ लें कि 1 किलो कमाती है और ये 8 किलो खाती है। तो इस एतबार से जो है ना इसके टोकन जो है, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान बना तो उससे पहले की है। ठीक है, ठीक है। इस लकड़ का क्या नाम है? ये मुख्तलिफ लकड़ियाँ दरमियान में, देवदार भी है, ब्याड़ भी है। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि वो ये जो लकड़ है इसकी 3-4 किस्में, वो कौन कौन सी किस्में? एक तो देवदार का दरख्त होता है जिसको हम देदार बोलते हैं, देदार हमारी जबान में है, ठीक है, और देवदार उर्दू में। दूसरी ब्याड़ है, ब्याड़ की लकड़ जो होती है वो बिल्कुल यानी कि शीशे की तरह होती है और आग जल्दी पकड़ती है। तीसरी लकड़ जो है वो चीड़ की है, चीड़ की जो लकड़ है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और चौथी जो लकड़ है वो कच्छल है, कच्छल यहाँ नहीं होते, कच्छल जो है आप जो तव बट जा रहे हैं, अड़ंगकेल जा रहे हैं, वहाँ पर कच्छल की लकड़ है, वहाँ पर चीड़ भी नहीं है। तो ये चार बड़े दरख्त हैं लकड़ के तबर। ये अखरोट इसको हम तोड़ सकते हैं जी? ये कच्चा है, तोड़ेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हम नुकसान नहीं करना चाहते। बाद में पके किसी काम है। सही है, एक होका दिखाए। ये दुकान है, ये क्या है? दुकान वगैरह। सही हो, ये गेस्ट हाउस है जी। आप रिहाइश के लिए गेस्ट हाउस, हाँ रिहाइश के लिए आप ये भी ले सकते हैं, ग्रीन लैंड गेस्ट हाउस, जहाँ पे परिजात की शूटिंग हुई थी, परिजात ड्रामा जो बना हुआ था। ये पास होके थोड़ा दिखाइएगा, ये भी छोटा है, कच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और साहब ये किस तरह किलो बिकेगी ये बाजार जब ये पक जाएगी? यहाँ से तकरीबन 50-60 बस। हजरत ये देखिए जर्सी लगाई हुई है यहाँ पे, इतनी ठंड है, जुमुन के महीने में इन्होंने जर्सी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलिए तो ठीक है।